बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खदीजा वॉइस चैनल में खुश आमदी। नाज़रीन गिरामी, तमाम शहीदों की 10 मुहर्रम अल हराम को शहादत के बाद जब शहादतें हो चुकी तो लुटा पुटा अहले बैत के काफिले के लिए बदबख्त यजीद का हुक्मनामा आया कि इसे इब्ने ज़ियाद के पास कूफा और चंद दिन कूफे में कैदी रखकर और फिर उन्हें पाबंद सरासर कैदियों का काफिला सरों को नेज़ों पर रखकर एक जलूस की शक्ल में दमिश्क मेरे दरबार तक लाया जाए। तो जब ये काफिला लेकर रवाना हुए तो कुतुब हदीस और कुतुब सही में आया है, काफिला जब रवाना हुआ तो आसमान पर खून के साथ कुछ अशआर लिखे गए, खून आलू कलम के साथ अल्फाज लिखे गए कि क्या वो तबका जिसने हुसैन को शहीद कर दिया कि अब भी मुसलमानी का दम बहता है और उम्मीद रखता है कि उसके नाना की शफात नसीब हो जाएगी। शफात तो हुसैन के नाना की है, शफात तो किसी और की नहीं है। जिसे भी शफात का हक मिला है हुसैन के नाना की खैरात मिली है। हुसैन को कत्ल करने वाले बदबख्तों या अब भी हुसैन के नाना की शफात की क़यामत के दिन उम्मीद रखते हैं। फिर उसके नीचे लिखा, नहीं, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम उनका कोई शफात करने वाला ना होगा। क़यामत के दिन वो सख्त अज़ाब में मुब्तला कर दिए जाएंगे। इन ज़ालिमों ने ज़ालिम हुक्मरान के हुक्म के तहत हुसैन को कत्ल कर दिया और उनके हुक्म ने कुरान के हुक्म की मुखालफत कर दी। ये आसमान पर खून के साथ शेर रकम थे। काफिला रवाना हुआ, इब्ने ज़ियाद ने कई दिन असीराने करबला आका के गुलशन रिसालत के इन फूलों को कैदी रखा और फिर वाए दमिश्क इस काफिला को रवाना किया। इस पूरे काफिले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे, वो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन और वो भी माँ थे। बाकी शहजादियाँ 30 सैयद कायनात की साहबजादियाँ थीं, आका के गुलशन की कलियाँ थीं। चलते चलते रास्ते में एक मकाम पर यजीदी लश्कर के पास से पानी ख़त्म हो गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया और कहा कि पानी ले लें। यजीदी का कसर भरा, धूप थी, जलजलाती धूप थी, सहरा था। उसने अपने लिए खैमा नसब करवाया क्योंकि बहुत दूर से पानी आना था। खैमा नसब करके आराम से साए तले बैठ गया और सूरज की तपिश से तपते जलते हुए टीलों पर नंगे आसमान के नीचे हुजूर की शहजादियों को बिठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतज़ार में धूप में तपता रहा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की प्यारी लखते जिकर सैयदा सकीना धूप में छोटी मासूम शहजादी ने देखा कि सहरा में छोटा सा एक टीला है जिसके साथ एक जाड़ी है और उसका छोटा सा साया है। चिलचिलाती धूप है, सैयदा सकीना इस धूप में सायदा छोटी सी जाड़ी में रेत का सरहाना बनाकर लेट गई। सैयदा सकीना की आँख लग गई, आरती उस जाड़ी की पानी आया। यजीदियों ने आवाज़ दे दी, काफिला चल पड़ा और कजावे में थी सैयदा सकीना ऊँट बैठ गए थे। किसी को खबर ना थी तो सैयदा सकीना को वहीं छोड़कर काफिला चल पड़ा। काफिला थोड़ी आगे आ गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेज़ा था इमाम आली मकाम के सरे अनवर जिस नेज़े पर था वो उसके हाथ से छूट कर ज़मीन में गिर गया। उन्होंने कोशिश की कि इसको उखाड़ कर आगे चलें, फिर नेज़ा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद इमाम हुसैन का सरे अनवर आगे ना चला। उसने और लोगों को बुलाया लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो आगे ना चला। वो परेशान हो गए, वो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गए और कहा कि क्या माजरा है, आपके बाबा के सरे अनवर आगे नहीं चलता। उनकी आँखें आपदीदा हो गई, अपने फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आए, कहा कि फूफी जान, आप ज़रा ऊँटों के कजावों पर अपनी शहजादियों और शहजादों को गिन लें, लगता है बाबा जान का कोई शहजादा या शहजादी रह गई है जिसकी वजह से बाबा जान का सरे अनवर आगे नहीं बढ़ रहा, नेजा घट गया है। सैयदा ज़ैनब ने एक एक नाम लेकर पूछा, तसल्ली की कि सारे कजावे में तो हैं। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब नहीं आया, बार बार कहा तो जवाब नहीं आया। वो तड़प उठी और अपने कजावे से नीचे आ गई और कहने लगी, हुसैन की सकीना रह गई है शायद जहाँ काफिला रुका था। अब रात का वक्त हो गया था, रात के अंधेरे में दौड़ती पीछे पहुंची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाबपोश खातून है और सैयदा सकीना को गोद में लेकर बैठी और इनको चूमती हूँ। सैयदा सकीना उस नकाबपोश औरत के गोद में मीठी मीठी जबान में
करबला की कहानी सुना रही है, जिसे बच्चे कहानी सुनाते हैं। वो कहानी सुना रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर बाबा के साथ ये हुआ, फिर भाई के साथ ये हुआ। वो करबला की कहानी सुना रही हैं और वो नकाबपोश खातून सुनती भी हैं, चूमती भी हैं, रोती भी हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब करीब पहुँची और खड़ी होकर आवाज़ देती हैं, ए नकाबपोश खातून, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पर बड़ा एहसान किया है, अल्लाह आपको अजर दे। बताए तो सही कि कौन है आप? उन्होंने चेहरे नकाब पलटा और फरमाया, ज़ैनब भूल गई हो, तुम्हारी माँ फातमा, हुसैन के लखते जिगर काफला और हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना तन्हा रह गई थी। काफला चल पड़ा था, तुम इसको तन्हा देख कर कब्र में ना रह सकी और मैंने चाहा कि मैं जाकर सकीना को संभाल लूँ। ये रूह थी, मुजस्सम थी सैयदा कायनात की, तन्हाई ने सकीना को संभाला थी और उनको साथ लिया। वो तो चूँकि रूहानी तौर पर इकामत थी, रुखसत हुई, सैयदा सकीना को लेकर कजावे में रखा और चल पड़ी। और इस तरह हलब के रास्ते से होते हुए, फिर हम्स के रास्ते से होते हुए जिस रास्ते से गुजरते थे, बदबख्तों ने वहाँ इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रखी थीं। वहाँ शादियाँ आने बज और बाजे बजते थे, यजीद की फतह के जश्न मनाए जा रहे थे और फतह यजीद के जश्न के समा में हुजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर काफला गुजर रहा था। अहले बैत के मर्दों के सर नेज़ों पर थे। ऐसे हाल में दमिश्क आ पहुँचे। दमिश्क में पहुँचे तो सारा शहर यजीद की फतह का हुक्म था तो जश्न में मसरूफ़ था और बहुत को ये नहीं पता था कि जो कैदी हैं वो कौन हैं। उन्हें बताया गया कि यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बागी थे और बागियों के सर हैं उनके ख़ानदान की लौंडियों का नीचे बना कर लाए जा रही हैं। नऊज़ बिल्ला, लोगों का ख्याल था कि बागी हैं जो लाए जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि सारी कायनात के मालिक हैं, इस उम्मत को दीन और ईमान अता करने वाले, कयामत के दिन गुनहगारों के शफात करने वाले मालिक हैं। अवाम को खबर न थी, भीड़ थी। एक बाज़ार में काफला बाज़ार में रुक गया, परेशान हाल थी। छतों पर ख़वातीन देखती थीं। एक खातून के घर के करीब जब काफला रुका, किसी को खबर ना थी कि कौन है। एक खातून छत पर से आवाज़ देती है कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर इन कैदियों से पूछो कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा कि पानी पिला दें, तो उसने पानी भेजा और पानी के साथ खजूरें भेजी। जो कुछ घर में मौजूद था वो सब बेच दिया, चादरें और पानी जो कुछ मैसर था बेच दी गई। सैयदा ज़ैनब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी खिलाती गई। काफला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर पूछा कि इस खातून से। इतने में खातून आ गई, कहा कि आजा खातून के जिसने इतना एहसान किया है इस पूरे बाज़ार में, सिवाय तमाशा देखने के और तो कोई वाकिफ ना था, तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की है? उसने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। वो औरत कहने लगी, मैंने एक ज़माना मदीना में हज़रत सैयदा फ़ातिमा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी, मैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की नौकरानी थी और जब मैं मदीने से रुखसत होने लगी तो मैंने आपसे दुआएं ली थी, अर्ज़ की थी कि कोई नसीहत कर दें, तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की थी कि अच्छा जा रही हो, दमिश्क में सलामत रहना एक ही नसीहत है, कभी कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। कहा कि बीबी मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, इतना ही सुना है कि कोई बागी थे वो मार दिए गए और कैदी हैं जो कैद होकर आए हैं। मैंने तो भलाई इसलिए की है कि मुझे मेरी सैयदा ने नसीहत की थी कि ज़िंदगी में अगर कोई कैदी मिले ही तो उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो आज उनकी वसीयत पर अमल कर रही हूँ, मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब के आंसू निकल आए लेकिन खामोश रहीं। आपने जवाब में कहा, अच्छा बीवी तूने कैदियों से भलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है, बता हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूँ, क्या चाहती हूँ? उसने कहा, बीबी एक दुआ कर दे कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो इनके छोटे छोटे दो बेटे थे हसन हुसैन और एक छोटी शहजादी थी ज़ैनब, इनको बचपन में देखा था थोड़ी उम्र में। सैयदा तो विशाल फरमा गई, मुझे नहीं
नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं। मैंने भी ये सुना था कि हसन भी शहीद हो गए। अब मेरी इल्तिजा है कि दुआ कर दें कि मैं कभी ज़िंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देख लूँ, उनकी शहजादी सैयदा ज़ैनब को देख लूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, ये दुआ कर दें। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। ये नेज़े पर हुसैन है और ये ज़ैनब है। इस हाल में दमिश्क में दाखिल हुए हुजूर के एक सहाबी हैं हज़रत सहल बिन साद, और मुस्लिम में बहुत सारी अहादीस इनसे मरवी हैं। बयान करते हैं कि मैं किसी काम से बैतुल मुक़द्दस जा रहा था। मैं जब दमिश्क पहुंचा तो वहां ईद का समा था, हर तरफ शामियाने थे, खुशियां थी, जुलूस थे। मैंने लोगों से पूछा कि शाम के लोगों, लगता है कि तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है, सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है, क्या कोई ईद है? उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम शाम के नहीं हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मदीना से आया हूँ। उस वक्त उमर रसीदा थे, फरमाया कि मैं सहल हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है, उनकी ज्यारत की और आपसे कुछ बातें भी सुनी हैं, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ बागी थे, उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, ये बागियों के सर हैं और ये उनकी औरतें हैं जो कनीज़ें बनाकर लाई गई हैं, माज़ अल्लाह। उन्होंने आगे जाकर देखा कि ये बागी कौन हैं। उन्होंने तो मदीने की गलियों में हज़रत इमाम हुसैन को आका के कंधों पर सवारी करते देखा था और आका के सीने अकदस पर खेलते हुए जबान को चूसते इस दौर में देखा था। और बाद जब पूरी जवानी इनकी नज़र में गुजरी थी, पूरे 50 बरस 40 बरस निगाह के सामने थे, मगर गर्दालू था चेहरा अनवर। आगे करीब जाकर देखा कि ये बागी कौन है। देखकर किसी को कहते हैं कि इसकी शक्ल तो हुसैन की तरह नज़र आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे इमाम हुसैन के साथ बड़ी मुशाबहत है। साथ एक शामी खड़ा था, कहने लगा कि तुम्हें पहचान नहीं, ये खुद हुसैन हैं। चीख निकल गई और रो पड़े, रोकर कहने लगे ये काफिला कहाँ जा रहा है? वो कहते हैं कि मैं इस काफिले के साथ चल पड़ा और दरबार यजीद तक साथ गया, और जो कुछ दरबार में हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। इस दरबार में बदबख्त यजीद शराब पे धुत शतरंज खेल रहा था। जब काफिला पेश हुआ तो सारे शहजादों इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कर दिया गया, तो उस वक्त आकर बैठा और एक एक का नाम लेकर पूछा कि कौन है, ये कौन है? सैयदा सकीना छोटी सी उम्र है, 4-5 साल की उम्र है, हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं। वो बदबख्त पूछता है कि कौन है जो चेहरा छुपा रही है? किसी ने जवाब दिया कि सैयदा सकीना है, ज़ैन के सीने पर लेटने वाली शहजादी है। इस बदबख्त ने पूछा कि खुद क्यों नहीं बोलती, बताओ कौन हो? सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा कि बताओ कौन हो? फिर सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा क्यों नहीं बोलती? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले, बदबख्त इसके गले की रस्सी का घेरा बहुत तंग है, इसे बोला नहीं जा रहा, इसी रस्सी के घेरे को कोई खोले तो ये बात करे। उसने किसी को भेजा कि उसके गले की रस्सी को खोलकर कुशादा कर दो। आप फिर दौड़कर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गोद में चली गई। फरमाया ये मर जाएगी शहजादी, ये बतूले जहरा की बेटी है, लाडली, किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लग सकता। उसने कहा कि फिर खुद ही खोल दो। आपने रस्सी का घेरा खोला तो यजीद ने पूछा कि चेहरा क्यों छुपाती है, बोलती क्यों नहीं? फरमाया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा ना छुपाऊँ तो क्या करूं? उसने कहा सकीना कैसा पाया हमारा मंजर? फरमाया ये जो देख लिया सो देख लिया, कयामत के दिन जो हमारा मंजर होने वाला है, कयामत के दिन जो हमारी बारी आने वाली है, इसकी भी तैयारी करो। अहले बैत के इस काफिले को कैदी बना दिया गया। इमाम आली मकाम के सरे अनवर को अलग, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलग, और खानवादा अहले बैत को एक जगह, और शहदाए करबला को एक तरफ रख दिया गया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उसने महसूस किया कि अहले बैत के काफिले को यहाँ रखना मुनासिब नहीं, उसकी हुकूमत के खिलाफ को बड़ी बगावत का पेश खैमा हो सकता है। उसने फैसला किया कि इनको वापस मदीना भेज दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि सारे काफिले को जमा कर लिया जाए और उन्हें मदीना ले जाया जाए।
इमाम जैनुल आबदीन ने कहा कि हम चाहते हैं हम हमारी कुछ चीज़ें तुमने लूटी हैं वो वापस दे दी। उसने कहा कि लूटा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा। इस हाल में इमाम हुसैन की एक और साहबजादी हैं सैयदा फातमा बिनते हुसैन, वो खड़ी हैं एक शाम दरबार में। अचानक आया हालत देखकर उसने समझा कि बागी कत्ल हुए हैं, उनके खानदान के लोग लोंडियाँ गुलाम बनकर आए हैं। उसने उसी मुहालते में यजीद से फातमा बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि जो कनीज़ें आई हैं उनमें से लोंडी मुझे दे दे। सैयदा फातमा बिनते हुसैन चीख कर अपनी फूफी सैयदा जैनब के दामन से लिपट के रोकर कहने लगी कि फूफी जान क्या अब हमें कलीजें भी बनाया जाएगा। फरमाया बेटा घबराओ नहीं, ये जुर्रत नहीं कर सकते, ये हराम है, इनकी जुर्रत है कर सके और न इस बदबख्त मालूम यजीद की जुर्रत है कि कर सके। यजीद पेश में आकर बोला कि मेरे अख्तियार में मैं जो चाहूँ करूँ। आपने फरमाया कि मालूम कि जब तक तुमने मेरे नाना के दीन का नाम लेते हो तुम ये नहीं कर सकते, जब तक मेरे नाना की शरीयत का नाम लेती होती जुल्म नहीं कर सकते। जब इतना कलाम सैयदा जैनब का सुना तो शामी को अंदाज़ा हो गया तो कि ये तो पैगंबर इस्लाम की शहजादियाँ हैं, इसको खबर ना थी। उसने कहा कि यजीद लानत हो तुम पर, तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों का ये हाल कर रखा है। मैं तो समझा था कि कैसर रोम के दरबार से रोम की कोई बगावत होकर आई है और उनकी कनीज़ें हैं, ये तो मुस्तफ़ा की शहजादियाँ हैं। जब उसने कहा कि लानत हो तुम पर तो यजीद ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम जैनुल आबदीन ने कहा कि हमारी कुछ चीज़ें तुमने लूट ली हैं वो वापस कर दो, हम वापस मदीना चले जाएंगे। यजीद ने कहा कि लूटा हुआ माल वापस नहीं होगा। फरमाया कि हम लानत भेजते हैं तुम्हारे दीनारों पर, ना ही हमारे पास कोई माल था जो तुमने लूटा, बस कुछ चीज़ें हैं हमें वापस कर दो, बाकी चाहे अपने पास रख लो। वो चंद चादरें हैं जो हमारी अम्मा फातमा के हाथ की बनी हुई हैं, कुछ कपड़े हैं जो हमारी अम्मा फातमा के हाथ के बने हुए हैं, उनका गुलूबंद है जो अपनी शहजादी को पहनाया था वो वापस कर दो। हम तो तीन यादगारें सैयदा फातमा की वापस चाहते हैं ताकि तुम्हारे पास ना रहें। वो तीनों चीज़ें वापस ले लें। काफिला रवाना हो गया और चलते चलते करबला तीन दिन शहदाए करबला और माम आली मकामात मकाम की मज़ारात पर ताजियत के लिए क़याम करके वापस मदीना पहुँचा। जब मदीना के बाहर पहुँचे तो आगे मदीने में दाखिल होने की सिक्कत ना थी, ना इमाम जैनुल आबदीन में सिक्कत थी और ना ही सैयदा जैनब में सिक्कत थी। उनके खुदाम में बशीर नामी खादिम था, उन्हें भेजा कि हम आगे कैसे जाएं, जाओ और अहले मदीना को खबर दो कि लुटे हुए लोग आ रहे हैं, खानवादे रसूल आज असीरानी दमिश्क बनकर वापस आ रहे हैं। उस शख्स ने जाकर मदीना में खबर की, मदीना में कयामत आ गई, बहराम मच गया। अहले मदीना कहते हैं कि इतनी कयामत या तो इस दिन आई थी जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसार फरमा गए थे, उस दिन आई जिस दिन सैयदा जैनब इमाम जैनुल आबदीन का लुटा हुआ काफिला हुजूर के घर वापस पहुंचा। सारे अहले मदीना बाहर आ गए, रोकते चीखते तड़पते कयामत का समा था। रोते हुए इस काफिले को लेकर आए सैयदा आका के रोज़े पर गिर पड़े। इमाम जैनुल आबदीन और सैयदा जैनब रोते हुए आका की कब्र अनवर पर गिर कर अर्ज़ करते हैं कि नाना जान आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया है जो आपके कंधों पर सवारी करता था, और जब गए थे तो आपका हरा भरा ख़ानदान गया था, हाथ उठ कर वापस आए हैं। एक बीमार के सिवा आपकी नस्ल का कोई बच्चा नहीं बचा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आली मकाम ने अपने नाना के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इनके कंधों पर अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर अता करे।